हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आइडियल नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम स्वागत करता हूं। मैं आजाद चौहान आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम करता हूं आइडियल नर्सिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी 2023 में 4 जून को अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। उस अटल बिहारी वाजपेयी इंट्रेंस एग्जाम में हम सबको मालूम है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। उस नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हमारे भाई और बहन हैं जो कि कंफ्यूजन में हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत डिफिकल्ट आएंगे या सिंपल आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और अगर अच्छे से अगर उसके लिए 2 दिन भी टाइम दे दें तो नर्सिंग ऑफिसर्स के बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके आ जाएंगे, वो भी क्या सही क्वेश्चन को। देखिए, हमारे जो भी साथी अगर मान लीजिए उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं या कर रहे हैं या एग्जाम दिए भी होंगे, उनको अगर नहीं भी मालूम होगा तो आज इस सेशन को देखने के बाद काफी मजा आएगा और काफी चीजें उनको सीखने को मिलेंगी। तो आज इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करें, इस चीज को डिले ना करें और इस सेशन का मजा लें। देखिए, आपके सामने लिख रखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं इस एग्जाम में, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और जो भी हमारे भाई अगर नीट की तैयारी करते हैं या 12th पास करके अभी आए हैं तो उनके मन में यही रहता है यार कि सारा एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन सारे एग्जाम से अगर कंपेयर करें तो नर्सिंग जो एंट्रेंस होता है अटल बिहारी वाजपेयी का, काफी सिंपल होता है। बस हमें माइंड में चीजें सेट हो जाता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत सिंपल आता है। और जब हमारे माइंड में चीजें सेट हो जाता है कि बहुत डिफिकल्ट आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सारी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हीं को पढ़ने में अपना टाइम क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा टाइम दे देते हैं। और जब एग्जाम हम लोग देने जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, मैं घर पे आया, अरे यार ये तो मैं तो गलत करके चला आया, मैं जानता था यार, भूल गया, मैं ये क्वेश्चन पढ़ने में रह गया, मैं सोचा कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वहां पे क्वेश्चन गलत करके हम आ गए जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। तो अब हमें गलती नहीं करना है, आज इस सेशन को हम लोग करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को मजा आएगा। आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना अच्छा सा एक आपके सामने मोटिवेशनल थॉट है जिस आपके सामने विजिबल हो रहा है। देखिए, इस मोटिवेशनल थॉट में यही लिख रखा है, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हो। अगर किसी के अंदर अगर थोड़ा सा भी अगर खून में गर्मी होगा ना, तो उसके अंदर ये वाला ना बहुत सीखने को मोटिवेशनल थॉट है। अगर जिसके अंदर ब्लड का फ्लो कर रहा है या सांसें चल रही हैं और घर की जिम्मेदारी उसको मालूम है, तो कभी भी ना वो पीछे नहीं मानेगा और ऐसे ऐसे चैलेंजेस लेने के लिए तैयार होगा। हम लोग की लाइफ में क्या होता है, हम लोग की लाइफ में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे ऐसे हर मोड़ पे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सीधे वर्ड में बोलेंगे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होने वाला है। हर मोड़ पे ऐसे लोग मिलेंगे। और मैं एक बात बता दूं आप लोग को ना, इस जिंदगी में ना आपको मोटिवेट करने वाले लोग कम मिलेंगे, डीमोटिवेट करने वाले बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं। तो मैं उन लोग से यही कहना चाहूंगा यार कि आप किसी को अगर आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो किसी को पीछे भी मत धक्का मारो। कम से कम आप मोटिवेट नहीं कर रहे हो तो किसी को डीमोटिवेट भी मत करो, किसी को दुखी भी तो मत करो यार। यहां तक कि वो लोग बोल देते हैं कि
तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए, तुम क्या कर पाओगे, तुम कोई दूसरा काम करो। तो भाई आप लोग से भी बोल रहे हैं बन कि जिंदगी में चैलेंज लेना सीख लो, क्योंकि आपको हर मोड़ पे चैलेंज मिलेगा। और अगर चैलेंज लेना नहीं सीखना है ना, अगर किसी चीज को अगर नहीं करने की अगर जुनून है ना, तो उस फील्ड में जाओ ही मत, क्योंकि जिंदगी जीना ना आसान नहीं है। आइए, इस चीज से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही है, मेरा जहां तक थिंकिंग है। और मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं, मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस मिले हैं, और मैं खुशी खुशी चैलेंजेस को, मैं अपने प्रॉब्लम को एंजॉय की तरह लेते गया हूं। आज मजे आते हैं और हमें खुशी होता है कि ऐसे ऐसे लोग जिंदगी में मिलते हैं जो चैलेंज देते हैं, कि ताकि मैं उस चैलेंज को लेके और अच्छे से काम करता हूं। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में देखिए क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर ए हेल्दी पर्सन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो नेसेसरी है एक हेल्दी पर्सन के लिए। आपके सामने क्वेश्चन है, आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन क्या है, वैक्सीनेशन, सही बात है, टाइम टाइम से वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है, तभी हेल्दी रह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बैलेंस डाइट भी एक तरह से देखा जाए तो बहुत बहुत थोड़े बहुत नहीं, बहुत जरूरी है। अगर हमारी डाइट अगर बैलेंस नहीं रहती है तो भी हम क्या स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, हेल्दी नहीं रह सकते। तीसरा ऑप्शन है पर्सनल हाइजीन। देखिए हम कितना अच्छी डाइट ले रहे हो, कितना भी अच्छे से वैक्सीनेशन करा रहे हैं, लेकिन अगर हम हाइजीन मेंटेन ना करें ना, तो भी ये चीजें क्या है, गलत है। अगर अपने पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन करें और मतलब सही रखें ना, अगर बात करें कि स्वच्छ रखें अपने आप को ना, तो भी हेल्दी रह सकते हैं। अगर स्वच्छ नहीं रखते हैं अगर अपने आप को, तो समझिए कि हम हेल्दी पर्सन हो ही नहीं सकते। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, सारा क्वेश्चन क्या है, सही है, मतलब सारे ऑप्शन जो है सारे के सारे इसके क्या है, सही है। तो इसमें देखा जाए तो क्या होगा, आपका डी वाला आपका ऑप्शन सही है ना, ठीक। इसके आगे वाला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए देखिए चार ऑप्शन इसका भी दिया है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, Which of the following is not a attribute of a good nurses? इसमें कौन सा ऐसा लक्षण है, कौन सा ऐसी हरकतें हैं जो एक अच्छी नर्स को शोभा नहीं देती है, एक अच्छे नर्स को ये चीजें प्रूफ नहीं करती है, ये चीजें एक अच्छी नर्स को देखा जाए तो उसके लिस्ट में फॉलो नहीं होगा। अगर कोई भी नर्स अगर आपका अगर देखा जाए ना, एम्पैथी है ये भी सही है, सहानुभूति दिखाना बहुत जरूरी है, केयरिंग, अगर कोई भी अगर पेशेंट आपके हो, अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में जाता है तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो नर्स का रोल होता है। अगर जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हॉस्पिटल जो भी चलता है, तो अगर डॉक्टर अगर मान लीजिए ब्रेन है ना, अगर डॉक्टर अगर पूरा का पूरा ब्रेन है ना, तो जो हमारी नर्सेज होती हैं एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड का काम करती हैं, और अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहेगा तो ब्रेन भी नहीं रह पाएगा, किसके ऊपर वो खड़ा रहेगा, नहीं रह पाएगा। तो अगर कोई भी हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं तो वहां पे डॉक्टर का जो रोल होता है उसी तरह रोल नर्सेस का भी होता है, जो मैंने
लाइक स्पाइनल कॉर्ड का एग्जांपल दिया कि जो नर्सेस होती है स्पाइनल कॉर्ड की तरह होती हैं, सपोर्ट का काम करती हैं। उसी तरह देखिए जो हॉस्पिटल में अगर गुड नर्सेस है तो अगर मान लीजिए एम्पैथी, सहानुभूति, केयरिंग अगर कोई भी पेशेंट है तो डॉक्टर तो जो अपना काम करना था कर दिया, लेकिन अगर अच्छी नर्स है तो उस पेशेंट का केयर करना, उस पेशेंट को टाइम टू टाइम मेडिसिन देना, उस पेशेंट को टाइम टू टाइम चेक करना, पेशेंट का हर एक चीजों को नजर में रखना एक अच्छी नर्स का काम होता है, यानी केयर करना। दो चीजें ऑप्शन सही हो गया। तीसरा ए डी वाला ऑप्शन भी क्या है, ए भी ऑप्शन सेम है बी की तरह, बी वाले ऑप्शन की तरह सेम है, ठीक है। इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो गुड नर्स को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। अगर कोई भी अगर गुड नर्स है उसको ओवर फ्रेंडली पेशेंट से होना अनिवार्य नहीं है। अगर किसी भी पेशेंट से ओवर फ्रेंडली हो रही है तो कभी भी गुड नर्स हो ही नहीं सकती है। तो इसमें ये खुद पूछ रखता है, पूछा है कि नॉट, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ओवर फ्रेंडली गुड नर्सेस का लक्षण नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन में दे रखा है Which part of the body are the RBC produce? अरे मेरे भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारी शरीर है, इस शरीर में वो कौन सा पार्ट है जहां पे आरबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है, आरबीसी बनती है, वो कौन सी जगह है, कौन सी पार्ट है जहां पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस होता है। आपके सामने ऑप्शन भी दिया है, चार ऑप्शन दिया है। देखिए ए बी ऑप्शन आपका है, ए वाला ऑप्शन है थाइमस, बी वाला ऑप्शन है बोन मैरो, तीसरा ऑप्शन है सी वाला किडनी, और चौथा ऑप्शन है क्या, लंग्स। हम सब लोग बहुत पढ़ते हैं, जब बायो पढ़ते हैं तो जब ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, चाहे हम लोग स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी बताया जाता है कि आपका जो बॉडी में बोन मैरो होती है वहीं पे क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, वहीं से आरबीसी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो देखिए बाबू आपको हम बता दें कि इसका जो अगर बात करें तो जो ऑप्शन इसका जो सही होगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्या, बोन मैरो, ठीक। यहां तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत स्लोली स्लोली इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग के समझ में आ सके। और ऐसा भी कोई भी हमारा भाई और बहन होगा जिसको नहीं भी समझ में आता होगा अगर कोई चीज, उसको भी ये समझ में आ सके। अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द टेम्परेचर मेंटेन इन ए मॉर्ग। कितने लोग को तो इसमें मालूम नहीं होगा कि मॉर्ग का मतलब क्या होता है, मॉर्ग का मतलब क्या होता है। देखो मेरे भाई, देखो बाबू हम आपको बता दें, मॉर्ग का मतलब यही होता है जो आपका, जैसे कोई बॉडी डेथ कर जाती है ना, तो उसको हॉस्पिटल की बात करें हम लोग तो मुर्दा घर का आप लोग नाम सुने होंगे, जहां पे उस डेड बॉडी को रखा जाता है। किसको, डेड बॉडी को, तो जो डेड बॉडी को रखा जाता है ना, तो जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं हिंदी में, मुर्दा घर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मॉर्ग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है व्हाट आर द टेम्परेचर मेंटेन इन ए मॉर्ग, जो मुर्दा घर है उसको कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है ताकि जो डेड बॉडी है वो सुरक्षित रह सके।
कितना टेम्परेचर को मेंटेन करके चलना पड़ता है, यानी मॉर्ग को, मुर्दा घर में कितना टेम्परेचर मेंटेन रहेगा कि बॉडी सेफ रहेगी। तो देखिए ए वाला ऑप्शन है आपका 0 डिग्री से लेके 2 डिग्री सेल्सियस, बी वाला ऑप्शन है 2 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका 4 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा ऑप्शन है 4 डिग्री से लेके 6 डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन है यानी डी वाला 6 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस। तो जिस भी अगर भाई बहन को नहीं मालूम होगा कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए उस मुर्दे घर का मेंटेन रहने के लिए, तो उनको हम बता दें कि देखिए ए वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है, आपका बी वाला ऑप्शन सही है, और सी वाला भी गलत है, डी वाला भी गलत है। अगर बात करें तो इसका ऑप्शन जो है ना बी वाला आपका सही है। मॉर्ग को 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि हर एक बॉडी क्या रहे, सेफ रहे। ठीक है, अब आइए अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहां तक तो सबको क्लियर है चौथे क्वेश्चन तक। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन में क्या है, इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। देखिए भाई, अगर जो लोग अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी अगर मान लीजिए नॉलेज रखते होंगे ना, तो ये सब देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। ये खुद बोल रहा है कि इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी एवरी ईयर ऑन, मतलब हर साल इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है। अगर जो लोग अगर थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज रखते होंगे, तो अभी रिसेंटली आज आपका क्या है, आज आपका देखा जाए तो 14 मई है, एक दो दिन पहले नर्स इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया था, यानी आपका कब 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे आपका मनाया गया। तो देखिए इसमें ना क्या है कि आपका 12 मई ऑप्शन में सही होगा, 12 जून क्या है गलत है, 12 जुलाई भी गलत है, 12 अगस्त भी गलत है। तो अगर सही ऑप्शन की अगर बात करें तो 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। यहां तक क्लियर है। देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ेंगे। देखिए व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज इन इमरजेंसी सर्विस। आपके सामने देखिए कुछ एक इमेज दिख रहा है जो आपके सामने इतना विजिबल हो रहा है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ईसीजी, ईईजी, डिफिब्रिलेटर, और डी वाला ऑप्शन है सक्शन पंप। देखिए इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है इमरजेंसी सर्विस में। जब कभी किसी को अगर मान लीजिए ना क्या होता है ना, कार्डियक अटैक मतलब हार्ट अटैक वगैरह आता है, तो उनकी क्या होती है, जो दिल की धड़कन है ना रुक जाती है। तो जब हम एम्बुलेंस से अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं ना, तो जो एम्बुलेंस में अगर मान लीजिए अगर सडनली अगर मतलब कोई पेशेंट है, अगर उसको दिक्कत हो गई, तो उस एम्बुलेंस में क्या रहता है, इमरजेंसी के लिए यही वाला क्या रहता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफिब्रिलेटर, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफिब्रिलेटर, और सक्शन पंप, ईसीजी, ईईजी और ईसीजी। तो देखिए इसमें ए वाला भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, ए वाला भी ऑप्शन क्या है, गलत है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा ना, अगर बात करें अगर जो ऑप्शन सही होगा आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आप लोग बहुत सारे मूवी में देखे होंगे, बहुत सारे देखे होंगे मूवी में, हॉस्पिटल में जब किसी का मतलब सांसें रुक जाती है, हार्ट बीट रुक जाता है, जैसे हार्ट बीट चलना बंद कर देता है ना, तो बहुत सारे मूवी में देखे होंगे ऐसे लेके हाथ में ऐसे प्रेस करेंगे, जब चेस्ट पे ऐसे दबाएंगे तो अचानक पेशेंट, एक दो बार करेंगे तो अचानक पेशेंट क्या होगा, मतलब
उसकी सारी चीजें क्या काम करने लगती है बॉडी, और वो अपने उसी टाइम अगर देखा जाए तो क्या होता है, पहले के जैसे हो जाता है। और उसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते रहते हैं, डिफेब्रिलेटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो गया ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया, बताइए इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम। हम सब जब 11th 12th में पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को उतना आइडिया नहीं होता है कि आगे चल के क्या करना है। तो देखिए आगे चल के जब हम लोग जब पास आउट होते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है, एएनएम होता है, जीएनएम होता है, बीएससी नर्सिंग होता है, तो और एमबीबीएस होता है। तो जो जीएनएम होता है ना, जीएनएम आपका, हम आपको बता दें कि जो जीएनएम होता है प्राइवेट कॉलेज से अक्सर करके होता है, और प्राइवेट कॉलेज से होता है आपका। और इसका जो फुल फॉर्म होगा ना, देखिए आपके सामने क्लियर होगा, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। क्या लग रहा है आपको, सही आंसर लग रहा है? चलिए जेनिक नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये भी ऑप्शन है। सी वाला ऑप्शन है जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी, और डी वाला ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो देखिए जेनिक नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ऑप्शन भी क्या है, गलत। जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी भी क्या है, गलत है। और नॉन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं होगा, ये भी बात गलत है। क्यों नहीं होगा भाई, क्वेश्चन है तो इसमें से कोई ना कहीं तो जो जरूर होगा। तो इसका मेन आंसर अगर हकीकत में बात करें हम लोग, तो इसका ई वाला ऑप्शन सही होगा, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। जो लोग को नहीं मालूम होगा वो लोग ध्यान से देखिए, इसको जरूर याद करिएगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछ रहा है, इन हॉस्पिटल नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट शुड बी डिस्कार्ड इन। बोल रहा है कि जो हम लोग हॉस्पिटल में, आप लोग सुने होंगे जब आप हॉस्पिटल में जाते होंगे ना, तो कई तरह का आपको थैला दिखता होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीजें किसी भी थैले में डाल के चले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। सब थैले का अलग अलग कलर होता है और अलग अलग उसका रोल होता है। जैसे मान लीजिए रेड कलर बैग में अलग चीजें डाली जाती हैं, ब्लू कलर बैग में अलग चीजें डाली जाती हैं जो थैला होता है, और जो ब्लैक कलर होता है बैग उसमें अलग होता है, येलो में अलग होता है। तो इसी तरह एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस का मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये होता है ना कि चलो यार कुछ फ्रूट्स ले लें, उनको हमारे घर के हैं चाहे रिलेटिव है, तो कोई सेब ले लिया, कोई अनार ले लिया, कोई केला ले लिया, कोई ऐसे करके जो फ्रूट्स वगैरह हम लोग लेके जाते हैं। तो जब फ्रूट्स खाने के बाद जो उसका वेस्ट निकलता है, तो उसको कौन से थैले में डाला जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिखा जाए तो नॉन इन्फेक्शियस होता है, पहले बता रहे हैं। देखिए रेड, रेड कलर बैग, रेड कलर बैग इसमें नहीं होता है, ये भी गलत है। ठीक है, ब्लू कलर बैग ये भी गलत है, इसमें भी नहीं होता है। सी वाला ऑप्शन है ब्लैक कलर्ड बैग, जो भी नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट चीजें होती है ना, वो ब्लैक कलर्ड वाले बैग में हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं या उसमें डाल देते हैं ना। और इसमें देखिए ए वाला भी ऑप्शन सही नहीं होगा, यानी ए बी और डी ऑप्शन नहीं सही होगा, और इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा ना। ठीक, यहां तक सबको क्लियर है? देखिए अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 8 क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है ईसीजी इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ। जो हमारी ईसीजी होती है
कौन से ऑर्गन के लिए होती है? आप लोग जिनके भी घर पे अगर कोई, अगर मान लीजिए कोई ऐसा भी पर्सन होगा जो किसी मतलब बीमारी से ग्रसित होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई ऐसी भी बीमारी होगी जो जानते होंगे लोग, जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोलते हैं कि इनको ईसीजी कराना है, और वो किस चीज के लिए कराना है वही इसमें आइडेंटिफाई कराना है कि कौन से ऑर्गन के लिए ईसीजी होता है। आपके सामने दिया है चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में दिया है ब्रेन, ब्रेन का ईसीजी होता है? कौन कहेगा कि ईसीजी होता है ब्रेन का? नहीं होता है। ठीक, हार्ट, हार्ट का होता है कि नहीं? हार्ट का ईसीजी होता है। किडनी का नहीं होता है, यानी किडनी गलत, ब्रेन गलत, और डी वाला ऑप्शन क्या है, लंग्स, इसका भी क्या होता है, गलत। तो जो ईसीजी होता है ना, ईसीजी का जो डायग्नोसिस होता है वो किस चीज एलिमेंट होता है जो ईसीजी वाला, वो हार्ट के लिए होता है। अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि इनका ईसीजी कराना है तो पक्का वो श्योर है कि वो हार्ट के पेशेंट है, और उसी हार्ट के पेशेंट को ईसीजी कराया जाता है, ईसीजी डायग्नोसिस कराया जाता है। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आई इन ह्यूमन बींग्स। देखिए इसमें बोल रहा है कि कौन सी ऐसी विटामिन है जो हेल्दी, मतलब अगर देखा जाए तो हेल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आई इन ह्यूमन बींग। जो ह्यूमन की आंखें होती है, जो मनुष्य की आंखें होती है, वो आंखों के लिए कौन से विटामिन्स का हेल्दी होना जरूरी है, कौन से विटामिन्स की कमी होती है तो उस आई पे प्रभाव पड़ता है या उस पे इफेक्ट आता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आप लोग सुने होंगे विटामिन्स के बारे में, पढ़े होंगे, तो आपके सामने ऑप्शन है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होता है आंख का फंक्शन होता है? नहीं ना, विटामिन बी के कमी से अलग डिफिशियंसी होती है। विटामिन सी, विटामिन सी का भी नहीं होता है। देखिए विटामिन बी का आप लोग सुने होंगे कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी करके जो डिफिशियंसी जो होती है, बेरी बेरी करके होती है। विटामिन सी के कमी से होती है स्कर्वी, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होती है। और विटामिन ए की कमी, विटामिन ए क्या होना चाहिए, हकीकत बोले तो इसका आंसर विटामिन ए ही होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी जैसे अगर किसी को, अगर मान लीजिए विटामिन, जैसे बोलते ना कि आपको विटामिन डी की कमी है, प्रकाश थोड़ा धूप लिया करो, या अगर धूप, अगर धूप नहीं ले रहे हो तो कुछ लोग मेडिसिन भी लेते हैं विटामिन डी की कमी रहती है जिनको, और विटामिन डी की कमी की वजह से बोन्स वगैरह में भी क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो इसमें अगर हकीकत बात करें तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, विटामिन बी गलत, विटामिन सी गलत, विटामिन ए और विटामिन डी में आप आइडेंटिफाई करिए कौन सा सही होगा। तो मैंने अभी बताया कि डी का भी कोई रोल नहीं होता है, और अगर हेल्दी, अगर फंक्शनिंग की बात करें तो विटामिन सी का होना, विटामिन ए की होना बहुत जरूरी होता है, यानी इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग एमएससी नर्सिंग कोर्स। देखिए बाबू इसमें यही बोल रहा है कि जो एमएससी नर्सिंग होता है, मास्टर ऑफ नर्सिंग, वो कितने साल का कोर्स होता है। बहुत लोग ऐसे कंफ्यूजन में होंगे जिनको नहीं मालूम होगा, तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन है एक साल, ऑप्शन है दो साल, ऑप्शन है तीन साल, ऑप्शन है चार साल। देखिए हम आपको बता देना कि जब सिंपल सी बात है कि जब जीएनएम करते हैं ना, तो जीएनएम एक तरह से क्या होता है, आपका डिप्लोमा होता है। बीएससी नर्सिंग हम लोग करते हैं तो ग्रेजुएशन हो जाता है। तो जो लोग
जीएनएम करते हैं ना, देखिए जब जीएनएम हम कर लेते हैं या बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, तो आगे जाके फ्यूचर में क्या होता है, जॉब सबको सेम ही मिलती है। कोई भी वैकेंसी आती है ना तो सेम ही आती है। अगर कोई भी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए पोस्ट आता है, चाहे सीएचओ के लिए हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए हो, चाहे मतलब अलग अलग जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए अगर पोस्ट आ रही है, तो सबके लिए एक ही फॉर्म आता है, पर्टिकुलर एक ही रहता है। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग हो जाएगा, उनके लिए अलग, ठीक है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि एमएससी नर्सिंग कितने साल का होता है। तो जब हम अगर बात करें एजुकेशन की, तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का अगर एजुकेशन बात करें तो जमीन आसमान का फर्क होता है। जो जीएनएम वाले हमारे साथी होते हैं उनका कोर्स 3 साल का होता है, जो कि डिप्लोमा होता है, और जो बीएससी नर्सिंग वाले हमारे साथी होते हैं उनका 4 साल का कोर्स होता है, जो कि ग्रेजुएशन होता है। तो जीएनएम वाले बीएससी नर्सिंग के बराबर नहीं रहते हैं, लेकिन अगर बीएससी नर्सिंग के बराबर अगर हमको होना रहता है तो फिर हम बाद में क्या करते हैं, पोस्ट बीएससी करते हैं, तब जाके बीएससी नर्सिंग के बराबर होते हैं। लेकिन यहां भी आपका डाउट नहीं क्लियर होगा, अगर जो लोग एमएससी नर्सिंग अगर करते हैं ना, वो कौन करते हैं, जो लोग बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं वो लोग हायर एजुकेशन लेते हैं, मास्टर ऑफ साइंस के लिए, तो वो लोग एमएससी नर्सिंग करते हैं। और वो वाला एमएससी नर्सिंग आपका कितने साल का होता है, आपका 2 साल का होता है। कितने साल का, 2 साल का। जो जीएनएम करेगा फ्यूचर में हायर एजुकेशन लेना चाह रहा है तो पोस्ट बीएससी करेगा, और अगर मान लीजिए जो लोग बीएससी नर्सिंग कर लिए और फ्यूचर में अगर मान लीजिए हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो लोग एमएससी नर्सिंग करते हैं, और वो एमएससी नर्सिंग जो होता है 2 साल का होता है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत। तीसरा भी ऑप्शन गलत, चौथा भी ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, यहां तक ऑप्शन आप लोग का सब लोग का क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपका, ए पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन रिसीव बॉडी ऑफ एनी ग्रुप। ये बोल रहा है कि एक पर्सन है, एक पर्सन है, ब्लड ग्रुप उसका कौन सा होगा जो एनी ग्रुप, एनी ब्लड ग्रुप को क्या कर सके, ले सके। अगर आप सिंपल बात अगर आप करते हैं तो अगर अक्सर देखे होंगे कि ए ग्रुप वाला ए ग्रुप को ही ब्लड देता है, बी ग्रुप वाला बी को ही देता है, देता है कि नहीं, ऐसे हम लोग सुनते हैं और ये चीजें होता भी है। लेकिन आप लोग को हम बता दे बाबू कि जो आप लोग ये भी सुने होंगे जो लोग हिंदी बोर्ड से पढ़ते हैं कि हम लोग ओ ग्रुप को क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं, सर्वदाता, और बी ए बी ग्रुप को क्या बोलते हैं, ए वाले जो ए बी ग्रुप है इसको क्या हम लोग बोलते हैं, ए बी को सर्वग्राही। तो अगर हम बात करें ना तो यूनिवर्सल जो डोनर ग्रुप की बात करें, वो ऐसा कौन ग्रुप है जो हर किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है। तो अगर बात करें ना तो यूनिवर्सल डोनर जो ग्रुप होता है आपका ओ निगेटिव होता है, ठीक है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, आप लोग जैसे बता रहे थे हम आपको ना कि सर्वग्राही यानी जो सबसे ब्लड ले ले वो कौन सा ग्रुप होता है, ए बी पॉजिटिव। यानी इसका आंसर ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। इसमें यही वाला ए बी ब्लड ग्रुप है जो भी किसी भी पर्सन से यानी किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है, उसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, वो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को बाबू, इसके आगे हम लोग बढ़े, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच ऑर्गन हैज द कैपेसिटी टू रीजेनरेट, वो कौन सा ऑर्गन है, उसके अंदर ऐसी क्या कैपेसिटी हो कि वो दोबारा रीजेनरेट होता है, मतलब मैक्सिमम बार रीजेनरेट हो सकता है।
हमारे ही बॉडी का वो कैसा, वो कौन सा ऑर्गन होता है जो अगर मैक्सिमम पार्ट भी अगर उसका खराब हो जाता है तो उसके अंदर कैपेसिटी, उसके अंदर क्षमता होती है कि फिर से रीजेनरेट हो सकता है, फिर से पहले जैसे हो सकता है, वो कौन सा ऑर्गन है, आइए आपके सामने देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी किडनी, ऑप्शन नंबर सी लंग्स, ऑप्शन नंबर डी। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है, लीवर किडनी लंग्स ब्रेन। देखिए रीजेनरेट तो बहुत चीजें हैं जो मैक्स मतलब रीजेनरेट होती हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कैपेसिटी की बात करें ना रीजेनरेट होने की, तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन जो है सही होगा। जो लीवर होता है हमारा ना बाबू, वो उसके अंदर इतना कैपेसिटी है ना कि अगर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा भी अगर वो खराब हो गया ना, तो वो फिर से क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है, फिर से सही हो सकता है, कौन लीवर। लेकिन किडनी लंग्स ब्रेन अगर मान लीजिए अगर खराब हो जाता है ना, तो इसको रीजेनरेट होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, और मैक्सिमम लोग सही नहीं हो पाते हैं। अगर किसी की किडनी खराब हो गई तो किडनी तो सही होगी नहीं, ब्रेन भी खराब हो गया तो मान लीजिए ब्रेन क्या सही होगा, आप खुद सोचिए, उतना वो भी नहीं सही होगा। मेडिसिन पे चलोगे चाहे जैसे भी चलोगे, आपका लंग्स भी खराब हो गया, लंग्स में पानी भर गया चाहे लंग्स खराब हो गया, जब तक आप चल रहे हो फिर बाद में क्या होगा, लंग्स भी क्या करेगा, जवाब दे दे भाई अब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जो लीवर होता है ना, ये आपका ऐसा ऑर्गन है ना जो मैक्सिमम कैपेसिटी रखता है रीजनरेट होने का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही होगा, ठीक है। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन आल्सो नोन एज। जो आरबीसी की डिफिशियंसी होती है, अगर किसी को ब्लड की कमी होती है, रेड ब्लड सेल्स, अगर रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं बॉडी में हमारे, अगर उसको किसी को उसमें रेड ब्लड सेल्स में ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जब क्योंकि हमारे बॉडी में तो रेड ब्लड सेल्स ही होती हैं, मतलब ब्लड होता है, लेकिन उस ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अगर किसी को हीमोग्लोबिन की अगर कमी है तो उस डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है या होती है, आइए आपके सामने आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दूसरा ऑप्शन है, ल्यूकेमिया तीसरा ऑप्शन है, पॉलीसाइथेमिया और चौथा ऑप्शन है एनेमिया। देखिए हम लोग बहुत सुने होंगे, एक तरह से देखा जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं होगा, ठीक। बी वाला ऑप्शन है ल्यूकेमिया, ये भी नहीं होगा, ठीक। सी वाला ऑप्शन है पॉलीसाइथेमिया, ये भी नहीं होगा। और अगर सच में बात करें कि आंसर कौन सही होगा, तो एनीमिया होगा, डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। जब भी हमारे बॉडी में जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो जो डिफिशियंसी के कारण, अगर उस कमी के कारण जो दिक्कतें आती हैं, जो बीमारी होती है, उसको हम लोग एनीमिया बोल देते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 पे आप चलेंगे हम लोग। देखिए व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एजीएनएम कोर्स इन इंडिया। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताइए, बोलिए बोलिए बाबू बोलिए। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है बाबू कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एजीएनएम कोर्स इन इंडिया। जो जीएनएम कोर्स होता है, अभी कुछ देर पहले हमने बताया था जीएनएम का फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, फुल फॉर्म मैंने बताया था, लेकिन वही जीएनएम जो इंडिया में होता है,
कितने साल का होता है आपके सामने देखिए ऑप्शन आएगा, वन ईयर, टू ईयर्स, थ्री ईयर्स, फोर ईयर्स। देखिए इसमें क्या है, वन ईयर गलत, टू ईयर गलत, दो साल का तो होता ही नहीं है, दो साल का तो पोस्ट बीएससी होता है और एमएससी नर्सिंग होता है और एनम होता है, ठीक। तीसरा ऑप्शन क्या है, थ्री ईयर्स, ए वाला आपका ऑप्शन क्या है, सही है, कौन सा आपका, थ्री ईयर्स यानी सी वाला। और चौथा वाला जो ऑप्शन है फोर ईयर्स, तो फोर ईयर्स तो आपका होगा ही नहीं क्योंकि ये होता है फोर ईयर्स का बीएससी नर्सिंग होता है, तो इस हिसाब से अगर देखा है तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही होगा जो कि तीन साल का होता है, ठीक है। और अगर ऐसे बात करें कि वो तो कोर्स की बात रही, फिर उसके बाद सिक्स मंथ इंटर्नशिप होता है, जीएनएम भी जो अगर तीन साल का कोर्स कर लेता है तो छः महीना इंटर्नशिप चलता है उसका, और जो बीएससी नर्सिंग करते हैं हमारे साथी उनका भी चार साल का जब बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होता है तो फिर छः महीना का इंटर्नशिप चलता है, ठीक है। अब आइए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मजे आने चाहिए, खूब मजे आने चाहिए। इसी तरह के नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, इसी तरह के, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि डिफिकल्ट होगा तो सिंपल क्वेश्चन भी क्या होगा, गलत करके आएंगे एग्जाम में। तो आपके मन में ये होना चाहिए कि हम सब क्वेश्चन करके आएंगे, चाहे डिफिकल्ट हो चाहे सिंपल हो, क्योंकि मैंने उसके लिए पढ़ाई किया, पूरा साल दिया है, तो सारा का सारा क्वेश्चन करके आऊंगा, पूरा ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके ब्रेन में, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऑप्शन इसका क्या है, देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो हमारे आशा लोग होती हैं, जो आशा वर्कर्स वर्क एट द लेबल, जो हमारी आशा लोग होती हैं उनका जो वर्क करने का जो काम होता है वो किस लेवल पे काम करती हैं, तो आपके सामने ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, बोलिए बोलिए फटाफट आंसर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम नहीं करती हमारी जो आशा बहने होती हैं, ठीक है। बी वाला ऑप्शन है कम्युनिटी, कम्युनिटी लेवल पे करती है नहीं, क्योंकि हमारी आशा बहने कम्युनिटी लेवल पे भी नहीं करती है। और सी वाला ऑप्शन है विलेज, विलेज नाम सुन के हो सकता है कि आप लोग के मन में क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा कि जब हम लोग गांव में रहते हैं तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि जो हमारी आशा वाली बहनें होती हैं, जो आशा वाली वर्कर होती हैं, पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए आती हैं और बच्चों को बीसीजी का टीका वगैरह लगता है जो कि मतलब आगे चल के टीबी वगैरह ना हो। तो जो गांव में घूम घूम के उन लोग का वर्क रहता है जो हमारी आशा वाली बहनें होती हैं, क्योंकि उनका काम कहाँ पे होता है, विलेज लेवल पे होता है। और पी एच सी, क्योंकि ये भी ऑप्शन उनका नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, सी वाला, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फटाफट, ज्यादा डिले करने का कोई मतलब नहीं है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज बाय द डॉक्टर टू क्रिएट इन इमेज ऑफ इंटरनल बॉडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई अगर मान लीजिए एब्डोमिनल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसका इमेज दिख सके कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑप्शन आइए देखिए वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, देखिए ऑप्शन नंबर स्टेथोस्कोप, ए वाला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है ऑटोस्कोप, तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, चौथा ऑप्शन है ग्लूकोमीटर। देखिए हम सब जानते हैं कि स्टेथोस्कोप का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि स्टेथोस्कोप तो बस आपका ऊपर ऊपर ही क्या होता है, पल्स वगैरह हार्ट बीट वगैरह चेक करने के लिए होता है, डॉक्टर की मतलब देखता है कि क्या ऊपर से देखता है कि नहीं। ऑटोस्कोप भी नहीं होगा, ग्लूकोमीटर भी नहीं होगा, लेकिन इसमें देखिए आपका ना ये वाला ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा,
बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, डी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, और इसमें लेकिन इसमें सी वाला जो ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन सही होगा। पूछिए क्यों? अल्ट्रासाउंड आप लोग सुने होंगे कि जब भी कोई पेट में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उस अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, इमेज पूरा आपका दिखा देता है कि आपके पेट में क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी हमारी जैसे बहने जैसे जो प्रेगनेंसी का जैसे मतलब मैटर रहता है तो जाके अल्ट्रासाउंड कराती हैं। उस अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है कि बच्चा कैसा है, सही से है कि नहीं है, बच्चे का सही तरीके से मतलब उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे को कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा कहीं फंसा तो नहीं है, बच्चा कहीं डेथ तो नहीं ना किया है। मतलब अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, सारा का सारा देखा जाता है। ठीक है, सभी लोग को डाउट क्लियर हो गया? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, आपका ऑप्शन होगा सी वाला ना, अल्ट्रासाउंड। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फॉर रूटीन ब्लड टेस्ट एग्जामिनेशन ए पेशेंट मस्ट गो टू, ऑप्शन देखते हैं, रेडियोलॉजी डेप्थ, पैथोलॉजी डेप्थ, ऑर्थोपीडियक्स डेप्थ और एनेस्थीसिया डेप्थ। देखिए इसमें यही बोल रहा है बाबू कि जो रूटीन ब्लड टेस्ट होता है वो पेशेंट कहां पे चेक कराता है, जो अगर ब्लड का कोई अगर टेस्ट कराना है उसको तो उसको कौन से जगह पे जाना पड़ता है, कौन से डिपार्टमेंट में उसको जाना पड़ता है कि ताकि उसका ब्लड का टेस्ट हो सके। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि अगर ब्लड का कोई भी अगर चेकअप कराना रहता है तो हम लोग कहां जाते हैं, पैथोलॉजी मतलब डिपार्टमेंट में जाते हैं। बनारस में अगर जो लोग होंगे तो बहुत लोग देखे होंगे डॉक्टर पैथ लैब, डॉक्टर फलाना लैब पैथ लैब लिखा रहता है। तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है, आप गवर्नमेंट में जाइए चाहे प्राइवेट में जाइए, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हम जाते हैं तो रूटीन ब्लड टेस्ट जो होता है आपका होता है। तो इसमें आपका आंसर देखा जाए तो ए भी गलत हो गया और ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, और सी वाला ऑप्शन क्या होगा गलत होगा, और डी वाला भी ऑप्शन क्या होगा गलत होगा। तो अगर हकीकत बात करें तो इसका ऑप्शन जो है बी वाला सही होगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय, जो एंटीबायोटिक होता है आप लोग सुने हो कि इनको फलाना को एंटीबायोटिक मेडिसिन लगाना है, एंटीबायोटिक लगाने पे क्या होता है कि थोड़ा सा रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन अब ज्यादा भी एंटीबायोटिक लग जाएगी ना तो क्या होता है इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो ज्यादा एंटीबायोटिक भी नहीं लगवाना चाहिए। तो कोई भी चीजें लिमिट में हो तो अच्छा लगता है, तो एंटीबायोटिक जब लगवाते हैं तो रोग से थोड़ा सा क्या होता है लड़ने की कैपेसिटी क्षमता बढ़ता है। और देखिए इसमें क्वेश्चन में ये दिया कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, एंटीबायोटिक को सबसे पहली बार कौन खोजा था, एंटीबायोटिक का डिस्कवर्ड कौन किया था, ऑप्शन देखते हैं, सर इसैक न्यूटन, विलियम हार्वे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, आंसर दीजिए फटाफट, कौन हो सकता है ऑप्शन ए या बी या सी या डी बताइए। देखिए आपका तो ए वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, गलत है, सर ईसान इसैक न्यूटन नहीं होंगे, बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, विलियम हार्वे भी नहीं होंगे, और डी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, और आपका क्या होगा अगर हकीकत बात करें तो आपका सी वाला आंसर सही होगा, कौन आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, आपका ए वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन करके बहुत मजा आया होगा,
अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट्स मेल, जो एडल्ट्स मेल होते हैं उनका नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है, आइए ऑप्शन देखते हैं। 11 से 12 mg पर डीएल, बी ऑप्शन है 12 से 14 mg पर डीएल, और सी ऑप्शन है 14 से लेके 17 mg पर डीएल, और आपका डी वाला ऑप्शन है 15 से लेके 18 mg पर डीएल। तो अब आप लोग इसमें आइडेंटिफाई करिए कि कौन वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए पता ना क्यों, अगर देखा जाए तो देखिए हर एक चीज में ना मेल में चीजें ज्यादा होती हैं। आप मतलब कि हार्ट वगैरह की भी बात करते हैं तो मेल के कंपेयर में फीमेल का थोड़ा सा छोटा होता है, मेल का साइज बड़ा होता है, किडनी का भी बात करें तो छोटा बड़ा होता है। तो उसी तरह इसमें भी ना, अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात लेवल की बात करें ना, तो जो नॉर्मल मेल होता है उसका जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल अगर होता है ना, उससे फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर मान लीजिए आपका ए ऑप्शन क्या है 11 से लेके 12 mg पर डीएल, दूसरा ऑप्शन क्या होगा 12 से लेके 14 mg पर डीएल, और सी वाला ऑप्शन क्या है 14 से लेके 17 mg पर डीएल है, और चौथा ऑप्शन है 15 से लेके 18 mg पर डीएल। तो इसमें अगर बात करें ना तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, डी वाला ऑप्शन गलत, और इसमें सी वाला ऑप्शन क्या है सही है, जो कि 14 से लेकर 17 mg पर डीएल होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन मेल। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस सेशन को करने में मजा आया होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आप उन सभी भाई बहन को शेयर करिए जो आपके भाई इस एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको ये सेशन भी देखने को मिले और कुछ चीजें उनको भी सीखने को मिले। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग बेल नहीं बजाया उसको बजा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।